अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, कैसे हैं आप लोग? बेटा ये जो आपका इस्लामियात का ये चैप्टर न्यू चैप्टर है, उसमें जो है नाजरा है, नाजरा में यानी कुरानी कुरान की सूरतें होती हैं तो वो हम पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस सूरत को पढ़ना है, याद करना है, पक्का याद करना है, ठीक है? ज़बानी तो मैं पढ़ के बताती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। कसम है ज़माने की, यकीनन इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमाल करते रहे और एक दूसरे को हक की नसीहत और सब्र की तलखीन करते रहे। अच्छा बच्चों, ये जो है ना सूरह असर है, कहलाता है, इसका नाम है सूरत का असर, तो सूरह असर कहते हैं। इसमें असर में ना ज़माने की कसम खाई है, जो असर की नमाज़ होती है ना उसकी अल्लाह ताला ने कसम खाई है इसमें। यानी वो लोग नुकसान में रहेंगे। खसारा किसको कहते हैं? नुकसान को, जो अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, जो गलत कामों में लगे रहेंगे और जो इस बात को नहीं मानेंगे जो अल्लाह ताला ने बताया है और अल्लाह के रसूल ने, तो वो सब क्या है? खसारे में रहेंगे, यानी नुकसान में रहेंगे। और एक दूसरे को क्या है, हमें एक दूसरे को अच्छाई की, नेकी की क्या करनी चाहिए? तलकीन करना चाहिए, सब्र की भी तलकीन करनी चाहिए, यानी बच्चों सब्र देना चाहिए। जितने भी मुश्किल हालात हो जाए उसमें जो है सब्र को नहीं छोड़ना चाहिए, सब्र करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, ठीक है बच्चों? ये आपका हो गया तर्जुमा। आपको अपनी कॉपी पे लिखना है और तर्जुमा भी लिखना है। अल्फाज मायने की तरफ आते हैं हम। अल असर किसको कहते हैं? ज़माना को। खुसरन खसारा नुकसान, इल्ला सिवाए, अच्छा, अल्लज़ीना वो लोग, अलहक हक, अस्सालिहाती नेक, इन्ना यकीनन बेशक, अल इंसान कहते हैं इंसान को, फ़ी का मतलब मैं, आमिलू का मतलब वो अमाल करते रहे, तो उस तवासो वो नसीहत करते रहे, आमनु वो ईमान लाए। ये अल्फाज मायने हैं, ये आप लोग इन अल्फाज मायने को पढ़ना है आपको और पढ़ के इसको याद करना है अल्फाज मायने को। अच्छा अब हम आते हैं दुरुस्त जवाब पे निशान लगाइए। अच्छा आपका जो है ना यहाँ पर दुरुस्त जवाब में क्या है? सूरह असर में कसम खाई गई क्या? इंसान की, ज़मीन आसमान की, किसकी खाई गई है बताएं? तो सूरह असर में जो है ज़मीन आसमान की, इसमें जो है ज़माने की कसम खाई गई है ना असर की। अच्छा क्या है? ए अल्लाह हमें राह दिखा, पाक साफ सीधी राह दिखा, उन लोगों को की राह दिखा जिस पे तूने किया, क्या किया? एहसान किया, ये इनाम किया, तो क्या किया? इनाम किया, यानी जिनको इनाम दिया ना अच्छे बुरे के। एक दूसरे को नसीहत करते रहे, किसकी? सब्र की नसीहत करते रहे। अच्छा इन अल्फाज को क्या करना है? मायने के साथ मिलाना है। अच्छा आपको जो मैंने कहा कि आप अल्फाज मायने याद कीजिए, तो अल्फाज मायने आपको याद करना, उसके बाद क्या करना है कि आपको मायने ये, अच्छा नीचे वाला जो है ये है सूरह अलहम, ये सूरह फातिहा का है, तो इसको आपको नहीं करना, ये नहीं करना, ये सूरह फातिहा का हिस्सा है। यहाँ तक जो है आपको सब्र डैश, एक दूसरे को नसीहत करते रहे, सब्र की, हक की, अमन की, किसकी है? तो किसकी है? हक की। अच्छा चले जी, ये तो नीचे नहीं करना। अच्छा अब है अस्सालिहात नेक, इन्ना यकीना, इन्ना इंसान है इंसान, भी मैं, आमलुआ व अमाल करते रहे, तवासो व नसीहत करते रहे, वह आमनु व ईमान लाए। अच्छा घर का काम क्या है कि अल्फाज के मायने याद करना है, टाइटल सफ़ा बनाइएगा और सफ़ा नंबर 4 का तफहीम करिएगा, सॉरी सफ़ा नंबर 24 का।
समझ में आई बात। सफ़ा नंबर 24 का जो है वो आपको अपने इस्लामिक में वो खोलिएगा और उसमें जो है वो आपने तफहीम करना है। अब जब पूरा सबक पढ़ेंगे उसमें सब कुछ, तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है।